नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आई हैव अगेन केम विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स न्यूज विच इज रिलेटेड टू द क्राइसिस विच इज इवॉल्विंग इन सुदान। आप आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि सुदान से इंडियंस को एवैक्यूएट किया जा रहा है। हमारी पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है कि किस तरीके से जितने भी इंडियंस हैं जो फंसे हुए हैं इस पूरे क्राइसिस में, उनको भारत लाया जा सके। तो आखिर ये क्राइसिस है क्या, ये क्राइसिस क्यों इमर्ज किया, आज ये क्राइसिस क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया, और इस पूरे क्राइसिस से हमारे भारत देश को क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो इन सारे पहलुओं को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट एंड वेरी मच इंटेलेक्चुअल सो दैट आप उस पूरे क्राइसिस का एक ब्रीफ सिनॉप्सिस आप समझ सको। सो लेट अस स्टार्ट विद द सुदान क्राइसिस। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सुदान का जो लोकेशन है वो है कहां पे। तो सुदान इज अ अफ्रीकन कंट्री विच लाइज इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। तो जनरली इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन कहते हैं और वहीं पे सुदान लाई करता है। सुदान का एक स्ट्रैटेजिक जियोग्राफिकल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो सुदान जो है वो आपका रेड सी से कनेक्टेड है और यहीं पे आपका गल्फ ऑफ एडन है, और रेड सी से अगर आप ऊपर जाओगे तो आपका क्या आएगा, स्वीज कैनाल। तो इसीलिए जियोग्राफिकली सुदान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है, और इसीलिए जब एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑलवेज प्रोन टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। आपको पता होगा चाइना ने जिबूती में अपना सबसे नया मिलिट्री पोस्ट बनाया है। तो इस तरीके से जो ये एरिया है, बिकॉज इट लाइज क्लोज टू द रेड सी, और रेड सी का फिर सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज रेड सी से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। आपको पता है स्वीज कैनाल से पूरा यूरोप का मार्केट और पूरा एशिया अफ्रीका इधर वाला जो मार्केट और साथ साथ वेस्ट एशिया, ये पूरा एरिया आपका ट्रेड से कनेक्टेड होता है बाय रेड सी। ऊपर स्वीज कैनाल हो गया, स्वीज कैनाल से आके रेड सी, रेड सी से गल्फ ऑफ एडन में जाके फाइनली इट एंटर्स द अरेबियन सी। सो इसीलिए सुदान का जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो आपको जानना पड़ेगा कि इट लाइज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड हेंस इट हैज ऑलवेज बीन ब्रोन टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और आज के क्राइसिस में भी कुछ हद तक हम लोग देखेंगे किस तरीके से यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पे रशिया, ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज भी अपना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाई रखी है। तो सुदान क्राइसिस में जाने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सुदान। ठीक है, सुदान इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका और इसका जो कैपिटल है इसको हम लोग खारतूम कहते हैं। सो खारतूम इज द कैपिटल ऑफ द सुदान एंड सुदान इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। ठीक है, सुदान इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री और यहाँ पे मैक्सिमम जो मुस्लिम्स हैं वो आपके सुनी मुस्लिम्स हैं। आपको पता है मुस्लिम्स में दो सेक्ट होते हैं, एक सुनी और एक शिया। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने पुराने सेशंस में, तो आप जाके यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुनी। और ये शिया सुनी की जो लड़ाई है इससे पूरा मिडिल ईस्ट आपका जूझ रहा है। ठीक है, इट इज अ रीजन बॉर्डरिंग द रेड सी, द सहेल रीजन एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हमने बताया कि अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल रीजन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, सुदान इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फेल्ड अफ्रीकन नेशन। आपको पता है कि नेशन स्टेट जिसको हम लोग आम भाषा में कंट्री कहते हैं, ये नेशन स्टेट बहुत मुश्किल होता है किसी कंट्री के लिए बनना। बिकॉज नेशन स्टेट है क्या, नेशन स्टेट इज बेसिकली अ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर विच अ सॉवरेन हैज ऑल द कंट्रोल एंड द पीपल आर यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ वननेस, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी। तो नेशन स्टेट बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है जब इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जब हम अंग्रेजों की गुलामी को झेल रहे थे, और जब हमारे उस समय के जितने भी इंडिपेंडेंट लीडर्स थे वो जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए उस समय क्या था कि किस तरीके से पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफिकल स्पेस, उन सबको कैसे हम लोग एकजुट कर सकते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन। Because India as a nation is a very nascent concept, वो बहुत नया concept है। Our religious identity is centuries old, our caste identity is thousand years old, but our identity of being Indian, ये काफी एक नया concept है। इसीलिए अभी भी आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू एंड कश्मीर में, many of the people do not affiliate to this idea of India being their country। तो इसीलिए हमारा India एक nation state की तरह बना। आज 140 करोड़ की आबादी है और इतने डिफरेंट कल्चर हैं, और उन सब चीजों के बावजूद आज वन पीपल फ्रॉम स्टेट लाइक यूपी कैन कनेक्ट विद द स्टेट ऑफ पीपल लिविंग इन द स्टेट ऑफ केरला।
Those two people have never met with them, but still they are able to connect. अगर केरला में बाढ़ आता है, so people give the money from state like Bihar. So this is the feeling of oneness, और इसी से nation state बनता है. लेकिन अभी भी बहुत सारे कंट्री हैं जो नेशन स्टेट नहीं बन पा रहे हैं. और अगर आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है तो बेस्ट एग्जांपल अफगानिस्तान है. अफगानिस्तान इज अगेन अ फेल्ड एग्जांपल ऑफ नेशन स्टेट. एंड सिमिलरली अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो अभी भी नेशन स्टेट की तरह बनके नहीं आ पा रहे, आपस में लड़ रहे हैं, एकजुटता नहीं है, लड़ाई चल रही है. एंड दैट्स व्हाई सुडान इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फेल्ड नेशन स्टेट, राइट. Sudan has many other, so has seen many other coup than any other African nation. तो बहुत ज्यादा military coup देखने को मिलता है आपको Sudan में. हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे किस तरीके से ये है, ठीक है. So सबसे पहले time scale के through समझते हैं Sudan का जो आज का crisis है उसका historical perspective से हम लोग link करेंगे कि कहां से ये पूरा चीज start हुआ था और आज इसका current state क्या है. तो उसको समझने के पहले, सबसे पहले स्प्लिट के पहले, आपको पता है पहले सुदान एक कंट्री अकेला था, उसके बाद आपको सुदान हो गया और नीचे का जो एरिया वो साउथ सुदान बन गया, ठीक है. तो उसके पहले, स्प्लिट के पहले, तो 1956 तक सुदान एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी और 1956 में सुदान ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो गया. उसके बाद आते हैं 1955 से 1972 के बीच में क्या हुआ, जब आपका सुदान जो है इंडिपेंडेंट हुआ. उस समय सबसे पहला फर्स्ट सुदानी सिविल वॉर, आज की सुदान नहीं, आज तो सुदान है और नीचे साउथ सुदान है, पर पहले ये पूरा एक सुदान हुआ करता था. और इसकी प्रॉब्लम क्या, आप समझे कि जो नॉर्थ सुदान का एरिया है वहां पे आपके मुस्लिम्स लोग रहते हैं और जो साउथ सुदान है आज जो एक अलग कंट्री बन चुका है वहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस रहते हैं. और यही लड़ाई हमेशा से रही है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की. एंड दैट लेड टू द फर्स्ट सुदानी सिविल वॉर, ठीक है. सो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ सुदान एंड साउथ सुदान, over demands for more regional autonomy by the southern Sudan region. तो southern Sudan क्या था, because अगर उस समय total Sudan देखेंगे तो total Sudan में जो north Sudan था वहां पे कौन रहते थे, Muslims, और south पे कौन रहते थे, Christians. But overall Sudan की अगर बात करें तो majority कौन रहता था, Muslim population. इसलिए जो south का region है वो हमेशा से regional autonomy मांगता था, वो हमेशा से independence की चाहत रखता था, ठीक है. तो इसी की वजह से आपके पास मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो नॉर्थ में रह रहे थे और जो क्रिश्चियन साउथ में रह रहे थे, इन दोनों की वजह से फर्स्ट सुदानी सिविल वॉर हुआ. और इसी के लड़ाई के बीच में जो उस समय के कॉलोनल थे गफार निमरी, कॉलोनल गफार निमरी ने इस मौके का फायदा उठा के उस समय का जो पॉलिटिकल सेटअप था उसको डिस्टर्ब किया, एक कू किया, और कू करने की वजह से अपने आप में पावर में आ गए. और जैसे ये पावर में आए भाई साहब, इन्होंने पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टीज को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को हमारा एस्टैब्लिश कर दिया सुदान, राइट. 1983 में देखो फिर निमरी ने क्या किया, निमरी इंट्रोड्यूस शरिया इस्लामिक लॉ, निमरी इंट्रोड्यूस द शरिया इस्लामिक लॉ विच लेड टू द सेकेंड सिविल वॉर. बिकॉज अगर क्रिश्चियंस क्यों मानेंगे इस्लामिक शरिया लॉ, तो इसकी वजह से आप देखेंगे सेकेंड सुदानी सिविल वॉर, राइट. सो ये सुदानी सिविल वॉर पहला सुदानी सिविल वॉर है. नाउ कम्स द सेकेंड सुदानी सिविल वॉर, एंड दिस वॉज फॉट बिटवीन हुम, दिस वॉज अगेन फॉट बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स. और मुस्लिम्स की उस समय सुदान में गवर्नमेंट थी, बिकॉज हमने बात किया था ओवरऑल मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी, तो मुस्लिम्स का सुदानी गवर्नमेंट था. जो उस समय सुदान का गवर्नमेंट था उसमें डोमिनेटेड कौन थे, मुस्लिम्स थे. और जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने अपना सुदान पीपल्स लिबरेशन आर्मी SPLA बना लिया. तो ये क्रिश्चियंस लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ द सुदानीज गवर्नमेंट विच वाज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स. SPLA इज द आर्मी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ सुदान, दैट इज द क्रिश्चियन लिविंग पॉपुलेशन. और इसी की वजह से 2011 में सुदान का स्प्लिट होता है. जो नॉर्थ सुदान है उसको हम लोग सुदान सुदान समझेंगे और जो साउथ सुदान है वो आपको साउथ सुदान बना. सो आई थिंक सो आई हैव द मैप, तो ये देखें आप. तो ये सुदान है, इसका कैपिटल खार्तूम है और ये आपका साउथ सुदान है, ठीक है. सो ये 2011 में यहां पे क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, यहां पे आपके मुस्लिम्स लोग रहते हैं, तो ये स्प्लिट करके, ठीक है. तो आज जो लड़ाई चल रहा है वो सुदान में चल रहा है. तो पहले प्रॉब्लम क्या था, क्रिश्चियंस मुस्लिम, अब क्या हो गए, मुस्लिम्स पावर में आ गए. और अब जो लड़ाई है वो क्रिश्चियंस मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, वो तो खत्म हो गया 2011 के बाद, स्प्लिट हो गया, ठीक हो गया. अब लड़ाई है सुदान में पावर किसके पास आएगा,
उस चीज की लड़ाई है, किसका वर्चस्व होगा। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रीजन और ये जो लड़ाई है, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टू लीडर्स हु आर फाइटिंग फॉर देयर इन्फ्लुएंस और फॉर देयर कंट्रोल इन दिस पर्टिकुलर सुदान कंट्री। ठीक है, सो दिस वॉर लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ सुदान इन 2011। अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है आपको, अगेन देखो, फर्स्ट सुदानी सिविल वॉर में हमने देखा था कोलोनल गफार निमरी पावर में आए थे, सेकेंड सुदानी सिविल वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर कोलोनल उमर अल बशीर ये पावर में आते हैं, अगेन एक कू करते हैं और कू करके अगेन ये पावर में आते हैं, और 1989 से लेकर 2019 तक लगभग 30 साल ये शासन करते हैं, और इस शासन के समय आप देख सकते हो सीक्रेट पुलिस, रिप्रेशन ऑफ द ऑपोजिशन, करप्शन, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियनिज्म, एक्सेसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ये सब देखने को मिला। ठीक है, सो ये समझ में आना पड़ेगा आपको, कोलोनल उमर अल बशीर सेकेंड सुदानी सिविल वॉर में आए थे। सो यही देखो हमारे भाई साहब हैं, स्मार्ट लग रहे हैं काफी, है ना, मतलब अच्छा है, ठीक है। सो कोलोनल उमर अल बशीर कम्स टू पावर इन अ मिलिट्री कू एंड दिस इज इट। सो फर्स्ट सुदानीज वॉर इज क्लियर, सेकंड सुदानीज वॉर इज क्लियर। अब हम लोग आएंगे अभी, तो ये देखो ये होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अगर आप उस चीज को समझोगे नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाते हो। सो यू हैव टू लिटिल बिट बी पेशेंट अबाउट स्टडिंग, यू नो स्टडिंग हैज नो शॉर्टकट्स, यू कैन नॉट स्टडी ओनली बाय जगलिंग अप हियर एंड देयर, यू हैव टू हैव दैट स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज देन ओनली द मार्क्स And your career development will happen. Because अगर आप सुदान को बस समझ लो कि दो लोग लड़ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, बात खत्म, तो it does not, it doesn't make you an intellectual person, right? So you have to be a little bit aware about what has been the past, what has been the current scenario, and what has to be or what should be the future or what looks like the future, right? उसके बाद एक आते हैं, again important. ये सब चीज हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज अगर आज हम लोग करंट वाला सिचुएशन पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का हमें बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। तो ये सब जब फर्स्ट सुदानीज वॉर हो गया, सेकंड सुदानीज वॉर हो गया, सेकंड सुदानीज वॉर के समय एक और चीज चल रहा था, डारफूर रीजन, डारफूर रीजन में एक लड़ाई चल रहा था। अब ये डारफूर रीजन कहां है, ये देखो ये जो सुदान है इसका वेस्टर्न पोर्शन आपको डारफूर है, और इस डारफूर रीजन में कौन रहता है पता है आपको, इस डारफूर रीजन में जो एथनिक लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, जो कि नॉन अरब पॉपुलेशन है, बिकॉज आपको पता है ये सारे अरब पॉपुलेशन है, अरबिक इनका लैंग्वेज है, इनको सबको अरब कहते हैं, अरब लीग भी आपको पता होगा, अगेन अरब लीग, तो सुदान इज ऑल्सो पार्ट मेंबर ऑफ अरब लीग, तो ये सारे अरबिक लोग हैं, बट दीज आर द एथनिक नॉन इंडिजिनस लोकल पीपल हु आर नॉन अरबिक। तो हमेशा से बिकॉज सुदान में जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से अरब डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, और वो हमेशा से इनको डिस्क्रिमिनेट करते आई है, हमेशा से इनको निग्लेक्ट करते आई है, तो इसीलिए दीज पीपल स्टार्टेड टू रिटेलिएट अगेंस्ट द सुदान गवर्नमेंट, और इसी की वजह से सुदान गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको सप्रेस करने के लिए यहां के लोकल अरब मिलिशियाज को डेवलप किया, लोकल अरब पॉपुलेशन को गन दिया कि आप जाके डारफूर रीजन में जो वहां से लोग हम पे रिटेलिएट कर रहे हैं आप उनको रोके, और यहीं से आपका इमरजेंस होता है जांजावीद का, जांजावीद। तो देखो एथनिक अफ्रीकन रेबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट उमर अल बशीर अरब डोमिनेटेड गवर्नमेंट ड्यू टू डिसरिगार्ड फॉर द वेस्टर्न रीजन एंड इट्स नॉन अरब पॉपुलेशन। तो ये सेकेंड सुदानी सिविल वॉर के पैरेलली ये भी चल रहा है आपका, ठीक है, और इसीलिए क्या किया कि उमर अल बशीर ने वहां के जो लोकल अरब पॉपुलेशन है उनको गन्स दिया, वेपन्स दिया, सो दैट दे कुड सप्रेस दिस रिवोल्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द एथनिक अफ्रीकन रेबल्स, एंड अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ जांजावीद, राइट, हु टारगेटेड द नॉन अरब ट्राइब्स एक्यूज ऑफ सपोर्टिंग द रेबल्स। सो जांजावीद का कॉन्सेप्ट ही ये था कि जो डारफूर रीजन में जो लोग रिटेलिएट कर रहे हैं उनको सप्रेस करो। दिस जांजावीद लेटर इमर्ज्ड as a very very important organization grouping which is known as rapid security force rsf, aur aaj ke war jo abhi crisis chal raha hai usme rsf is one of the party to that war, to ye aapko samajh mein aa chahiye rsf ka emergence kahan se hua hai। so rsf pehle janjaweed tha aur janjaweed ko kisne banaya tha, umar al bashir ne,
काम क्या था कि जो डारफूर रीजन से जो एथनिक नॉन अरब पॉपुलेशन अरब लोगों को रिटालिएट करने के लिए अपने आप को ग्रुप बना रहा था, उसी कॉन्टेक्स्ट में उमर अल बशीर ने एक लोकल अरब मिलिशिया ग्रुप बनाया और उसका काम था कि जो डारफूर रीजन के जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं उनको सप्रेस किया जा सके। तो आरएसएफ का पहले काम वो था, लेकिन अब दिन पर दिन आरएसएफ का काम बढ़ते गया। आरएसएफ एज अ ऑर्गेनाइजेशन वॉज लेटर मेड एज अ पैरामिलिट्री ग्रुप। आपको पता है इंडिया में जैसे पैरामिलिट्री बीएसएफ हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी हो गया, ये सब क्या है पैरामिलिट्री ग्रुप्स है। तो वैसे ही आरएसएफ ऑल्सो स्टार्टेड टू और वॉज मेड एज अ बॉर्डर गार्ड्स। तो देखो अब इसका रोल एक्सपैंड कर रहा है सुदान में। सो इट स्टार्टेड एज अ वेरी स्मॉल ग्रुपिंग ओनली फॉर द डारफूर रीजन एंड नाउ इट हैज बीन मेड एज अ बॉर्डर गार्ड पुलिस, राइट। सो आरएसएफ हैज वर्क, हाँ सो ठीक है। सो आरएसएफ इवॉल्व फ्रॉम द जांजावीड मिलिशियास। Over time, the militia grew. दिन पर दिन militia का जो role है आपको अफ्रीका में वो बढ़ा। It was made into RSF. तो जंजावीड को RSF कब बनाया गया? 2013 में। और इसको use कहाँ किया गया? As a border guards, right? Then RSF has worked alongside the Sudanese army to keep the military in power. और तब से RSF, क्योंकि RSF is a paramilitary group, and then you have the Sudanese army, जो कि ओमर अल बशीर है। तो ये दोनों मिलके आरएसएफ और सुदानीज आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी हो गया और बीएसएफ हो गया, ठीक है, तो वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट यू डोंट हैव डेमोक्रेसी, बिकॉज अदरवाइज दे विल गेट आउट ऑफ द पावर। सो दैट्स व्हाई दे बोथ कंबाइनली वर ट्राइंग टू एंश्योर दैट सुदान में एक तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक वे सिस्टम चले। तो अभी तक इनके बीच तो समझौता था, आज जो लड़ाई हुआ है वो यहीं से हुआ है। बिकॉज दोनों मिलकर एंश्योर कर रहे थे कि डेमोक्रेसी ना आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना आए, हम ही लोग मिलकर चलाएं, इसलिए हमेशा दोनों मिलकर कूक किए। अगर आर्मी कूक किया तो उसको सपोर्ट किया आरएसएफ वालों ने। बट आज क्या हुआ है कि आरएसएफ खुद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना है, बिकॉज आरएसएफ के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बिकॉज आरएसएफ का जो गोल्ड माइंस है सुदान में उसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है, और उसी गोल्ड को एक्सपोर्ट करके वो काफी ज्यादा पैसा कमा रहा है, जिसकी वजह से आरएसएफ की जो स्टैच्यूर है, आरएसएफ की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो लीडरशिप है, उसमें एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिला। एंड देन नाउ द आरएसएफ आल्सो वांटेड टू बिकम अ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस इन सुदान, और यह बात मिलिट्री को समझ नहीं आया। तो अब मिलिट्री, आर्मी और आरएसएफ, यही दोनों की तो लड़ाई है। तो आज का जो क्राइसिस है वो इन्हीं दोनों की लड़ाई है। तो ये दोनों पहले मिलकर डेमोक्रेसी को खत्म किए, एंश्योर किए कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना आए, पॉलिटिकल पार्टी ना आए, पार्लियामेंट ना आए। बट आज दोनों लड़ रहे हैं कि किस तरीके से हम दोनों का पावर, हम दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, बिकॉज आरएसएफ भी झुकने को तैयार नहीं। आरएसएफ को रहा कि हम खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, नाउ यू कैन नॉट कंसिडर मी एज अ जूनियर पार्टनर, राइट। तो लड़ाई आज इसी चीज की है। So, ये देख सकते हो डारफूर रीजन है आपका यहाँ पे। अब ओरिजिन ऑफ करंट टेंशन देखो, करंट टेंशन का आज का जो करंट टेंशन है, जो अभी आप न्यूज में पढ़ रहे हो, उसका ओरिजिन क्या? ये तो आपका इतना बैकग्राउंड हो गया। अब हुआ क्या कि हमने बात किया 2019 में, 1989 में प्रेसिडेंट मिलिट्री लीडर बशीर आए थे पावर में, 2019 में जो आर्मी है उसने ही जो प्रेसिडेंट बशीर है उसको पावर से हटा दिया। तो आर्मी ने ही एक आर्मी लीडर के अगेंस्ट कूप कर दिया, ठीक है। सो आर्मी आउट द प्रेसिडेंट बशीर आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज रूल। और इसमें मदद किसने किया? अगेन आरएसएफ ने। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आरएसएफ और आर्मी की अच्छी खासी मिली भगत है। 2019 से 21 के बीच में ये क्या हुआ? जब 2019 में बशीर पावर से चले गए, डेमोक्रेसी बहुत सारा डेमोक्रेसी का प्रोटेस्ट भी चल रहा था, देयर वर मेनी पीपल इन सुदान हु वर आस्किंग फॉर डेमोक्रेसी। तो एक तरफ थे सिविलियंस जिनको डेमोक्रेसी चाहिए था, एक तरफ था रैपिड सिक्योरिटी फोर्स, और एक तरफ था आपका सुदान का आर्मी। तो 2019 से 21 के बीच में एक तरीके से ऐसा समझौता हुआ कि एक तरफ सिविलियन गवर्नमेंट रहेगा और एक तरफ आपके पास मिलिट्री गवर्नमेंट रहेगा। तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप को एस्टैब्लिश किया गया, दोनों के बीच में एक तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और यह कहा गया 2019 में कि दो साल तक इसको ऐसे तरीके से ट्रांजिशन मैकेनिज्म में चलाते हैं, और 2021 में फाइनली हम लोग एक इलेक्शन करेंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन करेंगे, और उस इलेक्शन के थ्रू सुदान में आपकी डेमोक्रेसी आएगी, राइट। सो 2019 से 21 के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री सिविलियन काउंसिल मिलकर सुदान को चला रहा था। लेकिन 2021 में जब समय आया कि अब हमें डेमोक्रेसी को लाना है, राइट, अब हमारा इलेक्शन होना है, ठीक है, तो अचानक क्या आया? अगेन कू आया।
अगेन केम अ कू। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अब समझना इसको ध्यान से जरा। सुदान हैज बीन रन बाय आर्मी विद कू लीडर। तो 2021 में जब कू हुआ, जो जॉइंट सिविलियन मिलिट्री, जो यहां पे हमने बात किया था जॉइंट सिविलियन मिलिट्री काउंसिल जो चल रहा था, इसके अगेंस्ट कू हुआ और पावर में कौन आ गया, जनरल अब्दुल फतह बुरहान। तो बुरहान साहब अगेन एक आर्मी के लीडर थे और ये पावर में आ चुके थे। और दूसरे तरफ आपके आरएसएफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे दगालो, जिनका फुल नाम था मोहम्मद हमदान हमदेती दगालो। और आज की लड़ाई इन्हीं के बीच में, बुरहान वर्सेस दगालो, समझ में आ रही है बात। तो 2021 में जो कू हुआ अगेन दैट जॉइंट सिविलियन मिलिट्री काउंसिल, उसके बाद पावर में कौन है, अब्दुल फतह बुरहान, और दूसरे तरफ कौन था, आरएसएफ, दैट इज नोन एज दगालो। तो अब क्या हुआ प्रॉब्लम समझो, पहले आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत पहले से कू चल रहा है, हमने देखा 1989 में कू हुआ, उसके पहले 1956 में कू हुआ, फिर से कू हुआ। लेकिन इस कू में डिफरेंस क्या था कि अब लोग रिटेलिएट कर रहे थे, बिकॉज लोग थक चुके थे ये आर्मी के रूल से, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, फूड क्राइसिस था। तो आरएसएफ को लगा कि अब सही फायदा है यार, आर्मी वीक है, आर्मी के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, अब आर्मी का वो हेजेमनी नहीं रहा है सुदान में। तो आरएसएफ खुद अपने एस्पिरेशंस को जगा लिया कि अब आई कैन आस्क फॉर बेटर कंसेशंस फ्रॉम आर्मी, दैट बॉस वी हैव सपोर्टेड यू, नाउ यू आर ऑल्सो फेसिंग अ क्राइसिस, यू आर फेसिंग द रिटेलिएशन ऑफ द पीपल, सो प्लीज गिव अस मोर पावर सो दैट वी कैन अगेन सपोर्ट यू। दूसरा कमजोर होता तो क्या होता है, दूसरा हावी होने लगता है। तो वैसे ही वो आर्मी कू करके आ गया, बट आज उतना उसके पास पावर था नहीं, उसके खिलाफ खूब रिटेलिएशन हो रहा था, और यही आरएसएफ फायदा उठाया और आरएसएफ कहा कि नाउ वी वांट बेटर रोल इन दिस होल प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, राइट। सो दिस टाइम द कू पुट आर्मी बैक इन द चार्ज, आर्मी आ गया, बट नाउ द आर्मी स्टार्टेड टू फेस वीकली प्रोटेस्ट, आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दगालो started to come into action. Dagalo is from RSF. Hemdeti has huge wealth. Hemdeti matlab wahi Dagalo, that is the leader of RSF. This person has huge wealth derived from the export of gold from the illegal mines. हमने देखा सुदान में गोल्ड का रिजर्व्स है और उन सारे चीजों पे आपको RSF का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा है और वहीं से RSF का इंपॉर्टेंस आपका दिन पर दिन बढ़ा है। ठीक है, सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट 2021, राइट। सो ये आपको थोड़ा सा अगेन बता दे रहा हूं, 2019 में बशीर हट गए, 2019 से 21 तक एक जॉइंट मिलिट्री सिविलियन काउंसिल हुआ और कहा गया कि दो साल के बाद इलेक्शन होगा आफ्टर टू इयर्स, बट जब इलेक्शन होना था अगेन आर्मी ने कू कर दिया और बुरहान साहब पावर में आए, लेकिन इस समय का कू अलग था एज कंपेयर टू प्रीवियस पीयू। अब दगालो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर थे और अब यही लड़ाई है दगालो वर्सेस बुरहान का। दगालो इज आस्किंग फॉर 50% पावर एंड बुरहान क्यों देगा पावर, बुरहान मिलिट्री का लीडर है ना, तो लड़ाई इनके बीच में है। दगालो भी झुकने को तैयार नहीं, वो बोल रहा है कि हमारे पास भी देखो इतने आर्मी वेटरन्स हैं, इतना पैसा है, दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू बक डाउन एंड दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो ये देखो, ये दो महानुभाव हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, लेफ्ट में हमारे पास दगालो साहब हैं और राइट में हमारे पास बुरहान साहब हैं, और यही दोनों आपके लड़ रहे हैं। सो व्हाट इज द करंट टेंशन, सो करंट टेंशन इज बेसिकली एलिवेटेड हमदेती पोजिशन इन टू बुरहान की, बिकॉज आरएसएफ को लगा कि अब अपना समय आ चुका है, now we should not act as a junior partner to the Sudan army, rather we should act as an equal stakeholder, and this was not able to be digested by the Sudanese army because traditionally they have huge amount of power, and because of this now they have started to fight among each other. theek hai, so ek taraf dagalo hai, ek taraf burhan hai, burhan army ka leader hai, dagalo rsf ka leader, dagalo ka ye kehna hai ki ab aap bhi problem mein ho, इसलिए अब वी शुड एक्ट एज अ इक्वल, नॉट एज अ जूनियर पार्टनर टू यू। तो ये देखो आज जो हमारा करंट आपको क्राइसिस चल रहा है सुदान में, आप देख सकते हो यहां पूरा जगह क्राइसिस चल रहा है आपको, एंड अभी 185 पीपल बट 300 पीपल एज ऑफ नाउ हैज बीन किल्ड इन दिस होल इंसिडेंट। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसकी अगेन जो लोकेशन है, अगर यहां पे कोई प्रॉब्लम आता है रेड सी वाले एरिया में, तो स्वीज कैनाल से जो ट्रेड आ रहा है वो कंप्लीटली रुक सकता है। और ऑलरेडी ये पूरा जो एरिया है आपको पता है अगेन इनस्टेबल रीजन है, आपको बगल में इजिप्ट है, इथोपिया है, चैड है, तो यहां पे बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज भी बढ़ रहे हैं। सो अगेन दैट्स व्हाई दिस क्राइसिस हैज स्टार्टेड टू इवॉल्व, एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर दैट हैज टू बी सीन, बिकॉज दिस क्राइसिस कैन अगेन ग्रो इन अ मल्टी डायमेंशनल मैटर। जियोपॉलिटिक्स एट प्ले भी है, अगेन रशिया और इजिप्ट ये किसको सपोर्ट करते हैं, सुदान के मिलिट्री को,
ठीक है, तो रशियन देखो, तो वेस्टर्न पावर्स फियर द पोटेंशियल फॉर रशियन बेस ऑन द रेड सी विद सुडानीज मिलिट्री लीडर्स हैव एक्सप्रेस्ड ओपनेस टू। तो सुडान के मिलिट्री है, उन्होंने कहा है कि अगर रशिया अपना कोई बेस ओपन करना चाहता है रेड सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो वो कर सकता है। सिमिलरली इजिप्ट इज ऑल्सो सपोर्टिंग। और दूसरे तरफ जो आपके पास सऊदीज और यूएई है, दे हैव बीन स्केप्टिकल ऑफ द आर्मी, बिकॉज आपने मैंने बात किया था गफार निमरी जब पावर में, तो उन्होंने क्या किया था, इस्लामिक शरीयत लॉ ले आया था। सो सऊदी एंड यूएई वो नहीं चाहते कि अगेन इस एरिया में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो, बिकॉज उनको पता है कि अगर इस्लाम के बेसिस पे ये सब चीजें होंगी तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा। और सऊदी एंड यूएई आर ट्राइंग टू इमर्ज एज अ बिग पावर। आपको पता है सऊदी और यूएई किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स उस पूरे एरिया में चल रहा है। तो सऊदी एंड यूएई डज नॉट वांट द ग्रोइंग इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। सो ये भी जियोपॉलिटिक्स आपका यहां पे चल रहा है। हाउ टू एंड द वॉर, अब ये वॉर पे पूर्ण विराम कैसे लग सकता है? तो सबसे पहले क्या कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, आर्मी और आरएसएफ के बीच में किसी तरीके से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो जाए, सो ठीक है। सेकंड, सिविलियन डिमांड फॉर ओवरसाइट ऑफ द मिलिट्री। तो सिविलियंस आर ऑलवेज डिमांड कि मिलिट्री के पावर के ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जो आरएसएफ है, जो कि एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किस तरीके से हम लोग मिलिट्री के अंदर ही इंटीग्रेट कर दें, बट अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉसिबल थिंग, बिकॉज हाउ विल डगालो गिव्स हिज एंटायर यूनिट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। देन हैंडओवर ऑफ द ल्यूक्रेटिव मिलिट्री होल्डिंग्स। आपको पता है जहां की भी मिलिट्री स्ट्रांग होती है उनके पास खूब पैसा होता है, पाकिस्तान में देख लो। सो सिविलियंस कहते हैं कि जो मिलिट्री का होल्डिंग्स है एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, अदर इंडस्ट्रीज में, वो खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज बाय दैट दे आर गेटिंग मोर एंड मोर मनी एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग मोर एंड मोर पावर। तो मिलिट्री का जो कंट्रोल इन चीजों में वो खत्म होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड एक्ट कलेक्टिवली, बिकॉज उसी का काम है टू एंश्योर सिक्योरिटी वर्ल्ड पीस। तो इस तरीके से इस वॉर को रोका जा सकता है, बट अगेन दीज आर वेरी आइडियलिस्टिक सॉल्यूशंस, ऐसा कुछ होगा नहीं। Only, you know, something by luck, if happens, it happens. But this again crisis is a very complex crisis. अब India-Sudan का relation पर आएगा, although it's not important, but थोड़ा सा आपको जानना चाहिए India-Sudan relations के बाद. It's a very historical relation again. Nilotic and Indus Valley civilization के बीच में चला आ रहा है हमारा ये relation. और जो पहला Sudan का paramilitary parliamentary election था 1953 में, वो इंडिया का इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किया था। देखो, सो द फर्स्ट सुडानीज पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 1953 वर कंडक्टेड बाय श्री सुकुमार सेन, इंडियाज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट टाइम, बिकॉज सुडान उस समय एक नया कंट्री ही बना था। और दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर, दिस इज व्हाट ओनली इंडिया कैन गिव। चाइना नहीं दे सकता है, चाइना पैसा दे सकता है, बट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, ऑल दीज आर द कोर एसेट्स ऑफ व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। Free and fair elections, parliamentary democracy. So this was the expression of India's soft power. Then diplomatic representation number 1955 hai, and saath hi saath aapko pata hai ki bahut important symbolic measure tha. 1959 mein Bandung conference hota hai, non-alignment movement ka bahut important conference. Aur wahan pe us samay Sudan independent hua, that still Sudan was a British colony, but Sudan ke representative aaye the Bandung conference mein. Lekin Sudan ka apna flag nahi tha us samay. तो नेहरू ने क्या किया, अपना हैंडकरचीफ निकाला और उसमें सुडान लिख दिया और कहा कि दिस इज व्हाट यू डिजर्व, यू आर सून गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट नेशन हु हैज कंप्लीट सॉवरेंटी ऑफ इट्स ओन, राइट। सो एट द 1955 बांडू कॉन्फ्रेंस, द डेलीगेशंस फ्रॉम अ स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट सुडान डिड नॉट हैव अ फ्लैग, उनके पास अपना खुद का फ्लैग नहीं था। टेकिंग आउट हिज हैंडकरचीफ, नेहरू रोट सुडान ऑन इट, रिजर्विंग अ प्लेस फॉर सुडान इन द इंटरनेशनल। दैट्स व्हाट द स्टैच्यूर, दैट्स व्हाट द कैलिबर, दैट्स व्हाट द कैरिज्मेटिक leadership which Nehru had, and that's why the world supported the idea of Nehru. Trade relations hamara, India is the third largest exporting nation, theek hai, to Sudan hum log kya kya bhejte hain, dekho, petroleum products, manufacturing goods, machinery and pharmaceuticals, textiles. Bilateral trade bhi hamara dekho kitna bada hai, 327 million se aaj 1660 million dollar pe pahuncha hai. Aur sath sath abhi ek current affairs ka news hai ki India is also trying to go with international trade in rupees with Sudan, ठीक है। डायस्पोरा हमारा बहुत ज्यादा डायस्पोरा भी है जो अभी फंसा हुआ है सुडान में, सो इनको भी निकालने की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यही एक बहुत बड़ा आप न्यूज में सुनते रहते हो कि मेनी ऑफ द इंडियंस अनस्पेसिफाइड अमाउंट हैज बीन स्ट्रैंडेड इन दिस होल पर्टिकुलर क्राइसिस एंड इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट दोज पीपल एवैक्यूएटेड। नाउ लेट्स सी हाउ इट विल बी डू, आई होप, वी होप फॉर द बेस्ट दैट दीज पीपल आर बीइंग एवैक्यूएटेड। सो यही था आपको सुडान के बारे में। सो यू हैव, दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट समथिंग यू हैव टू नो, बिकॉज इफ इट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एट एनी कॉर्नर, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। एंड आई विल बी शेयरिंग यू दिस पीडीएफ, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम प्लीज फ्री टू कॉन्टैक्ट मी,
एंड मुझे आई होप दैट कि आपको ये लेक्चर मजा आया हो. और बाय दिस प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल. हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट मंथ, हैव अ ग्रेट ईयर, हैव अ ग्रेट लाइफ. थैंक यू, सी यू अगेन. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.